वैसे फ्रेंड्स, आपके भी फेसबुक अकाउंट पे कई सारे इनएक्टिव फ्रेंड है, ये आप देखना चाहते हैं या उनको आप अनफॉलो करना चाहते हैं तो बड़ी आसान से देख सकते हैं, एंड अनफॉलो भी करना चाहते हैं तो वन क्लिक में सभी जितने भी फ्रेंड्स आपके सामने इनएक्टिव फ्रेंड आने वाले हैं तो उन सभी को फ्रेंड्स आप वन क्लिक में अनफ्रेंड कर सकते हो, मतलब फ्रेंड्स फ्रेंड लिस्ट से रिमूव कर सकते हो। अब जो इनएक्टिव फ्रेंड लिस्ट आपके सामने आने वाली है फ्रेंड्स, वो 90 डेज, मतलब ऐसे फ्रेंड होते हैं जो 90 दिन तक अपना फेसबुक यूज़ नहीं करते या उससे भी काफ़ी पुराना हो गया है उनका अकाउंट, वो अभी भी अकाउंट को खोल के यूज़ नहीं कर रहे, तो ऐसे फ्रेंड लिस्ट आपके सामने आती है। तो फ्रेंड्स इन्हीं को हम यहाँ पे क्या करने वाले, हटाने वाले, वो भी वन क्लिक में। तो ध्यान से वीडियो को देखिए, वीडियो हेल्पफुल लगता है तो यस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक कर सकते हो। आज किस वीडियो में काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे टारगेट रख देता हूँ, 50 लाइक का ये टारगेट है फास्ट कंप्लीट करना। तो चलिए ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या स्टेप फॉलो करना है, सबसे पहले फ्रेंड्स उस आईडी को लॉगिन करिए जो जिस आईडी पे आपको फ्रेंड्स इनएक्टिव फ्रेंड को रिमूव करना है, हटाना है। ओके, लॉगिन तो आपने कर लिया होगा। अब यहाँ पे आप जैसे होम पेज में आ जाते हैं तो यहाँ पे अपने प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करिए। तो जैसे ही प्रोफाइल पर आते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने नेम के ऊपर यहाँ पर बस आपको क्लिक करना है। ओके, जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स दो तरीके, दोनों भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे बस आपको नीचे आ जाना है फ्रेंड्स, नीचे आने के बाद सी ऑल फ्रेंड्स इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, या फ्रेंड्स बैक आके यहाँ पे ही आपको टॉप में फ्रेंड्स दिखने वाले। ओके, इसके ऊपर बस आपको क्लिक करना है, वहीं पर ही आप आ जाएंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको क्या करना है, मैनेज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैनेज के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है आप देख सकते हैं, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपके इनएक्टिव फ्रेंड्स है जो 90 दिन तक उन्होंने अपना फेसबुक अकाउंट यूज़ नहीं किया वो यहाँ पे फ्रेंड लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। मतलब जो आपकी इनएक्टिव फ्रेंड लिस्ट है कितनी है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एंड कौन कौन है यहाँ से चेक कर सकते। अब इनको आपको अनफ्रेंड करना है, दो तरीके। पहला तरीके यहाँ पे ये कि यहाँ पे अनफ्रेंड पे क्लिक करके यहाँ से डायरेक्टली मैन्युअली अनफ्रेंड कर सकते हैं, एक एक अनफ्रेंड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो। नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल इसके ऊपर बस आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करना है, इनको सभी को एक साथ सिलेक्ट करना है। ओके, अब यहाँ पे ये कठिन लग रहा है इन सभी को, मतलब काफ़ी लंबी लिस्ट है एंड इन सभी को सिलेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, तो एक तरीका है तो वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। तो प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है ऐटो क्लिकर। जैसे सर्च करेंगे ये वाला एप्लीकेशन आपको फाइंड करना है फ्रेंड्स, इस वाला एप्लीकेशन को मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। ओके, काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, इसे इंस्टॉल कर लेना है, आपका काम 1 मिनट में हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। काफ़ी लंबी लिस्ट है आपकी इनएक्टिव फ्रेंड की, तो उन सभी को आप यहाँ पे रिमूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हो, बस इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, ओपन करना है। जैसे एप्लीकेशन ओपन करेंगे यहाँ पे ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पे ओके पर क्लिक करने के बाद डाउनलोडेड ऐप्स इसके ऊपर क्लिक करना है, एंड बस यहाँ से आपको परमिशन को अनेबल करना है, अलो करना है। ओके, जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे परमिशन को अलो करेंगे, यहाँ पे बैक आना है, बैक आना है। अब बैक आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे बस आपको सिंगल टारगेट मोड एंड मल्टीपल टारगेट मोड शो होने वाला है, तो यहाँ पे मल्टीपल टारगेट मोड इसके ऊपर क्लिक करना है, मतलब अनेबल करना है। ये बड़े आसन से यहाँ पे आ जाएगा आपके स्क्रीन के ऊपर ही। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको क्या करना है, फेसबुक में उसी जगह पे आ जाना है, एंड फ्रेंड्स आपको लग रहा है काफ़ी बड़ी लिस्ट है एंड इन सभी को सिलेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, प्लस के ऊपर क्लिक कर लेना है एंड एक एक बटन बस यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है। ओके, मैं एक एक बटन यहाँ पे ऐड करता हूँ प्लस के ऊपर क्लिक करके। अब बटन सेट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या करना है, एरो के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ये इस तरह से आपको घुमा लेना है उल्टा, एंड यहाँ पे इस तरह से ये आपको सेट कर लेना है। ओके, मैंने सेट कर दिया। अब सेट करने के बाद बस यहाँ पे प्ले के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से फास्ट यहाँ पे एक 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 क्लिक कर रहा है ऑटोमेटिक। ओके, मतलब बस आपको क्या करना है, अपना फ़ोन साइड में रख देना है, ये ऑटोमेटिकली सभी को सिलेक्ट कर देगा। अब सिलेक्ट करने के बाद एग्जांपल मैं इसे अभी स्टॉप करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आगे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अनफ्रेंड के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब जैसे अनफ्रेंड पे क्लिक करेंगे, जो भी आपके आपने सिलेक्ट किए अभी ऐटो क्लिक किए, तो वो सभी फ्रेंड्स कितने सिलेक्ट हो गए वो यहाँ पर आ जाएंगे, बस अनफ्रेंड के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो क्लिक करने के बाद थोड़ी देर वेट करना है, बड़ी आसान से फ्रेंड्स जो आपके फ्रेंड लिस्ट के जो फ्रेंड है वो यहाँ पे अनफ्रेंड हो जाएगी। अब यहाँ पे बाद में आप ऐटो क्लिकर पे क्लिक करके इससे आप डिसेबल कर सकते हो, डिसेबल मैंने कर दिया, आप देख सकते हैं। क्या एप्लीकेशन को ही आपको अनइंस्टॉल करना है तो अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो इस तरह से फ्रेंड्स बड़ी आसान से वन क्लिक में सभी फ्रेंड्स को सिलेक्ट करके वन क्लिक में अनफ्रेंड्स कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है
तो यस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अल्पल लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। ओके, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो जो इनएक्टिव फ्रेंड को हटाना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो। तो जाते जाते और कोई वीडियो देखना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। जाते जाते किसी को कोई अकाउंट रिकवर करना है या आपके फ्रेंड को भी कोई अकाउंट रिकवर करना है तो MH क्रिएटर चैनल ज़रूर रिकमेंड कर रहा, या यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हो आपका टॉपिक स्पेस MH क्रिएटर। वैसे अकाउंट रिकवरी की प्लेलिस्ट भी स्क्रीन के ऊपर है, इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी कोई वीडियो नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद फ्रेंड्स, अत्यंत आभारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।